Let's do question number 23rd of exercise 5C, that is arithmetic progression. Question number 23rd is, the first and the last term of an AP is 17 and 350 respectively. Respectively ka matlab hai, first value first term hai aur ye next value last term hai. Toh hum side by side likh lete hain ki hamari first term thi hamari, that is 17, aur last term thi hamari 350. आगे देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन में. आगे कह रहा है इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, अगर d हमारा 9, कॉमन डिफरेंस को d कहते थे, तो कॉमन डिफरेंस अगर 9 है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, हमें n निकालना है कि कितनी टर्म्स है और उनका सम क्या है. तो हमारा कॉमन डिफरेंस है 9 और हमें n निकालना है और हमें सम ऑफ nth टर्म निकालना है, राइट. तो कैसे निकालेंगे, हमें n नहीं पता है तो हम इसको क्या मान लेते हैं, लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी n, राइट. n टर्म्स है तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता था, a प्लस n माइनस 1 इंटू d. अब nth टर्म क्या होती थी, लास्ट टर्म. लास्ट टर्म कितनी दे रखी है, 350. तो 350 इक्वल्स टू a हमारा 17 दे रखा है, n हमने माना था n ही, और d हमारा 9 दे रखा है. तो ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं तो ये आ गया 350 इक्वल्स टू 17 प्लस 9 n माइनस 9. अब 350 इक्वल्स टू 17 प्लस का है और 9 माइनस का है तो सब्ट्रैक्ट हो गए, तो आगे 8 प्लस 9n, साइन बड़े वाले का लग गया. अब 9n की वैल्यू कितनी आ गई, 8 दूसरी साइड चला गया तो माइनस का हो गया, तो 9n की वैल्यू आ गई हमारी 342 और n आ गया हमारा 342 डिवाइडेड बाय 9. दैट मींस 9 3s are 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 72, that is 9 8s are 72. तो n आ गया हमारा 32 टर्म, 38, n आ गया हमारा 38. तो हमें पता चल गई there are 38 terms, तो sum of 38 terms कितना आया, that is n upon 2 into, आप 2a plus n minus 1 into d भी कर सकते हैं, मैं a plus l कर रही हूँ small calculations के लिए. अब n था हमारा 38 upon 2, a है 17 प्लस l है हमारा 350, तो ये कितना आ गया, 38 अपॉन 2, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 9s are 18, तो ये आ गया 19 इंटू 350 में 17 ऐड हुआ तो ये आ गया 367. तो 19 से मल्टीप्लाई कर देंगे 367 की, तो 9 7s are 63, 6 कैरी, 9 6s are 54, 60 हो गया, 6 9 3s are 27, 28 29 30 33, तो ये आ गया 7 6 and 3 ऐड कर देंगे तो ये आ गया 6 9 7 3 इज द आंसर. लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 24th ऑफ एक्सरसाइज 5C, दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. क्वेश्चन नंबर 24th इज, द सम एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 5 and 45 रिस्पेक्टिवली. फर्स्ट टर्म 5 है एपी की और लास्ट टर्म 45 है. साइड बाय साइड लिख लेते हैं जिससे कि भूले नहीं. फर्स्ट टर्म है 5 और लास्ट टर्म है 45. आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है इफ द सम ऑफ ऑल ऑफ इट्स टर्म्स इज 400, अगर सारी टर्म्स का सम, nth n टर्म्स हैं, अभी तक टर्म नहीं पता है, तो इसका मतलब इसका सम 400 है. आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड द नंबर ऑफ टर्म्स. nth टर्म्स मानी है इसलिए नंबर ऑफ टर्म्स, n की वैल्यू निकालनी है और d निकालना है. तो हमने यहाँ लिख लिया d निकालना है और n निकालना है. तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए हमें सम दे रखा है n, सम का फॉर्मूला क्या होता था जब a और l दिया होता था, n अपॉन 2 इंटू ए प्लस एल. अब सम दे रखा है हमें 400, राइट. n हमें पता नहीं, अपॉन 2 a हमारा 5 है और l हमारा 45 है. तो ये देखिए 2 इधर चला गया, तो 400
into 2 equals to n into 50. 45 plus 5 is 50, right? So n kitna aa gaya? 400 into 2 upon 50. देखिए 0 से 0 कट गया, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, तो n आ गया हमारा 16. अब हमें common difference निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? nth term कितनी थी? a plus n minus 1 into d, अब 16th term, total terms कितनी थी AP में? 16 terms थी, और last term हमारी 16 term होगी, तो nth term, term 16 का हो, कितना आया? A is 5, plus 16 minus 1 into D, term 16, last term मतलब कितनी थी? 45 equals to 5 plus 15D हो गया, क्योंकि 16 में से 1 गया is 15, right? अब 5, ये वाला 5 इधर आ गया, तो माइनस का हो गया, तो 45 में से 5 माइनस हुआ इक्वल्स टू 15d, तो ये कितना आ गया? देखिए 40 इक्वल्स टू 15d, तो d की वैल्यू कितनी आ गई? 40 अपॉन 15, तो ये कितना आ गया? 5 8 से 40, 5 3 से 15, ये आगे नहीं कर सकता, दैट मींस d आया हमारा 8 अपॉन 3 इज द आंसर.